गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज द ट्यूटोरियल ऑफ एलजीआई मित्रा। आज हम आपको एलजीआई मित्रा को कैसे यूज़ करना है वो बताएंगे। सबसे पहले आप कोई भी ब्राउज़र खोलिए। मेरे पास गूगल क्रोम है तो मैं गूगल क्रोम खोल रहा हूँ। गूगल क्रोम पर आप सर्च कीजिए एलजीआई इंस्टीट्यूट। एलजीआई इंस्टीट्यूट जब आप सर्च करेंगे आपको एलजीआई इंस्टीट्यूट नज़र आएगा। कॉल, मैसेजेस, डायरेक्शन और वेबसाइट बटन, वेबसाइट बटन पर क्लिक कीजिए। एलजीआई इंस्टीट्यूट की वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर आपको एलजीआई मित्रा नज़र आएगा। दो बटन है, ये पीले वाला और ये रेड वाला। आप कोई भी क्लिक कर सकते हैं। बुक योर वर्चुअल कंसल्टेशन, टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़िए और उसके बाद हरे बटन पे बटन दबा के इसको एग्री कीजिए। अब सेलेक्ट डिपार्टमेंट, ये हमारा ऊपर हेल्पलाइन नंबर दिया है, अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। सेलेक्ट डिपार्टमेंट आई केयर, सेलेक्ट डॉक्टर जिस डॉक्टर से आप मिलना चाहते हैं, तारीख जिस तारीख को आप मिलना चाहते हैं। ये वर्चुअल कंसल्टेशन है, आप डायरेक्ट डॉक्टर से सिर्फ वीडियो कॉल पर मिल सकते हैं, तारीख चुनी। उसके बाद जिस वक्त पे आप डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं वीडियो कॉल पे, आप वो बटन क्लिक कीजिए 12 बजे। नेक्स्ट, अपना फॉर्म फिल कीजिए। फ़ोन नंबर, एज, जो भी आपके पुरानी, अगर आप पुराने पेशेंट हैं तो अपना फ़ाइल नंबर डालिए, जो भी फ़ाइल नंबर आपके कार्ड पर लिखा हुआ है, एड्रेस, जो भी आपके घर का एड्रेस है वो आप डालिए। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अपनी समस्या के बारे में यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में जो भी लैंग्वेज आपकी है उसमें डिस्क्राइब कीजिए। कोई अगर फोटो अपलोड करना चाहते हैं अपनी फोटो अपलोड कर सकते हैं, कोई वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप बुक कंसल्टेशन हरे बटन पर क्लिक कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास, आप ध्यान से देखें, अमित कुमार प्लीज प्रोसीड और पे नाउ का बटन आ गया। आप इस पे नाउ के बटन पर क्लिक कीजिए। पेमेंट गेटवे आ गया। आप जिस भी तरीके से पैसे देना चाहते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। और वो देने के बाद आप आगे कि जो कोई भी आप अगर बैंक का HDFC, SBI, यूनियन बैंक, किसी भी बैंक का आपके पास कार्ड है सब यहाँ पर चलेंगे। आप इसको प्रोसीड नाउ कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, UPI, उसके थ्रू पैसे पे कर सकते हैं। और इसके बाद आपके पास थैंक यू पेज आ जाएगा और उसके कुछ घंटों के बाद हमारे हॉस्पिटल से ऑप्टोमेट्रिस्ट या टेक्निकल मेडिकल इंचार्ज का कॉल आपको आएगा। वो आपसे बात करेंगे, आपकी समस्या को जानने की कोशिश करेंगे और आपकी सारी की सारी बताई गई समस्या, आपकी बताई गई डिटेल्स डॉक्टर तक पहुंचा दी जाएंगी। और जिस वक्त पर आपने, जिस तारीख को आपने, जिस वक्त पर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट सेलेक्ट की है, तब आपको डॉक्टर साहब का, चुने हुए डॉक्टर साहब का वीडियो कॉल आएगा। वीडियो कॉल पर अगर आपकी समस्या का समाधान हुआ तो डॉक्टर साहब वीडियो कॉल पर करेंगे, और अगर कुछ सीरियस प्रॉब्लम हुई तो हो सकता है डॉक्टर साहब आपको खुद हॉस्पिटल पे मिलने के लिए बुलाएं। ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा कि डॉक्टर साहब आपके केस को किस नज़रिए से देखते हैं। धन्यवाद।